Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you will be fine. I welcome all of you to Abhisar Sociology classes. I know that first semester students are having less time. You have to complete so many topics. Magar, my request for all of you is that at least once watch these videos that I'm going to upload from today. Take? Because there will be many questions from these remaining lectures, right? The kindred concept that is Fockwiz and Moores. मैं टू द पॉइंट आज इस लेक्चर में बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, राइट? देखिए, Fockwiz एंड Moores ये जो कॉन्सेप्ट दिए हैं ना, ये डब्ल्यू जी समनर ने इंट्रोड्यूस किया है. उसने एक बुक लिखी है Fockwiz, मीन्स वेज ऑफ द पीपल. जो भी तरीके तौर तरीके हैं लोगों के, ठीक है, उनको हम Fockwiz कहते हैं सिंपली. देखिए, सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स ऐसे होते हैं जो सोसाइटी की सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी नहीं होता है. अगर वो होंगे भी तो वेल एंड गुड, सोसाइटी बिल्कुल वेलकम कर रही है. अगर नहीं होंगे भी तो बिल्कुल सोसाइटी को उनके टूटने से फर्क नहीं पड़ते. ऐसे नॉर्म्स टूट जाने से सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ते हैं, ठीक है. देखिए, इट्स क्लियर फ्रॉम इट्स नॉर्मल, जिसका नाम है Fockwiz. फॉक मीन्स लोग, वेज मीन्स उनके तौर तरीके. हम बात कैसे कर रहे हैं, खाते कैसे, पीते कैसे, पहनते क्या है, कैसे पहनते हैं, ठीक है, उठते बैठते कैसे, सब ये जो तरीके हैं ना लोगों के, इनको हम Fockwiz कहते हैं. डिस्पाइट ऑफ दीज नॉर्म्स, वी आर हैविंग सम नॉर्म्स इन अवर सोसाइटी, बट दीज नॉर्म्स आर क्रूशियल और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी को जिंदा रखने के लिए कुछ नॉर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं. और वही नॉर्म जो सोसाइटी को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है, इनको हम Moores कहते हैं. वो Moores क्या है? Moores ऐसे नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी में जो सोसाइटी की सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इनका अगर सोसाइटी में इनका ब्रेकडाउन हो जाए, या नॉर्म ऐसे नॉर्म्स को जिनको हम Moores कहते हैं उनको तोड़ा जाए, तो सोसाइटी विल नॉट सर्वाइव, क्योंकि सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए हम उनको क्या रेस्पेक्ट करते, इसीलिए हम उनको फॉलो करते, इसीलिए हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसीलिए हम उनको क्या ओबे कर लेते हैं, अपना लेते हैं. मगर ये जो Moores है ना, ये ऐसे नॉर्म्स होते हैं ना जो पब्लिक वेलफेयर के रिलेटेड होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, देखिए, चाहे हमारी सोसाइटी में लाइब्रेरी होती है, कॉलेज में लाइब्रेरी होती है, या कॉलेज होता है, स्कूल होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, जो पब्लिक इस्तेमाल करते हैं, जिनसे पब्लिक को फायदा पहुंचता है, जिनसे खाली एक इंडिविजुअल का नहीं बल्कि सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सब लोगों को इन चीजों से फायदा पहुंच रहा है. इट इज फॉर द पब्लिक वेलफेयर. हॉस्पिटल किसके लिए? पब्लिक वेलफेयर के लिए. लाइब्रेरी किसके लिए? पब्लिक वेलफेयर के लिए. ब्रिज किसके लिए? पब्लिक वेलफेयर के लिए. कोई भी इसको फायदा उठा सकता है, कोई भी. हर एक इंसान का इक्वल हक होता है, इक्वल राइट होता है इसके ऊपर. अगर कोई इन ही ऐसे पब्लिक प्रॉपर्टी को पब्लिक वेलफेयर के लिए जो चीजें रखी जाए, बनाई जाए, या सोसाइटी में प्रेजेंट हो, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा कोई, वायलेट करने की कोशिश करेगा कोई, लाइब्रेरी को तोड़ने की बात करेगा कोई, ब्रिज को नुकसान पहुंचाएगा कोई, हॉस्पिटल को नुकसान पहुंचाएगा तो कोई, मीन्स उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको सीवियर पनिशमेंट दिया जाएगा. और क्यों? ये जिस चीज को नुकसान पहुंचा रहा है ना, वो जनरल पीपल के लिए है. अगर हम ऐसे बिल्कुल करने देंगे तो हमारी सोसाइटी में कॉलेज नहीं रहेंगे, ब्रिजेस नहीं रहेंगे, जो एसेट्स होंगे हमारे वो नहीं रहेंगे, तो हम पब्लिक कैसे आगे बढ़ेंगे, सोसाइटी कैसे सर्वाइव कर पाएगी? तो दैट इज व्हाई सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स ऐसे होते हैं जिनको ब्रेकडाउन करने से या जिनको तोड़ने से हमें सीवियर पनिशमेंट लग सकती है, फाइन हो सकता है. ऐसे नॉर्म्स को हम Moores कहते हैं. ये सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होते हैं. और कुछ नॉर्म्स ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी नहीं होते. अगर रखा जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रखा भी जाए तो कोई बात नहीं, सोसाइटी आगे चलेगी, ठीक है. ऐसे जो नॉर्म्स होते हैं ना वो वीक होते हैं, जिनको हम Fockwiz कहते हैं. ये जो किंडर्ड कंसेप्ट है जिनको हम Fockwiz एंड Moores कहते हैं, राइट? Fockwiz किसे कहते हैं? सिंपली Fock मीन्स लोग एंड वेज मीन्स उनके तौर तरीके. ये डब्ल्यू जी समनर ने दिया है, ठीक है, किसमें? अपनी बुक में,
दोनों कॉन्सेप्ट फॉकवेज एंड मूर्स को लेके राइट, उसने कहा कि ये दो टाइप के नॉर्म्स होते हैं इन 1906, डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सोशियोलॉजिकली बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, क्या फॉकवेज को भी ऐसे हम एक्सप्लेन करते हैं जैसे आम इंसान एक्सप्लेन कर सकता? नहीं, बल्कि उसके लिए अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू जी समनर फॉकवेज रेफर टू बिहेवियर्स विच आर डिजर्व्ड इन सोसाइटी, वो तौर तरीके ऐसा रहन सहन ऐसे तरीके जो सोसाइटी में डिजायर चाहती है कि एक इंडिविजुअल ऐसे रहे, एक इंडिविजुअल ऐसे बिल्कुल क्या उसका बिहेवियर होना चाहिए, ठीक, बट आर नॉट कंसिडर्ड क्रूशियल टू द सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी, मगर ये सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं माने जाते हैं, क्रूशियल नहीं माने जाते हैं, इसीलिए उनको हम फॉकवेज कहते हैं। ये ऐसे नॉर्म्स होते हैं जो सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, अगर इनकी रेस्पेक्ट की जाए या इनको अपनाया जाए तो दीज आर गुड, ठीक है, सोसाइटी का आपको अप्रिशिएट करेगी, मगर अगर उनको ब्रेक डाउन या अगर उनको बिल्कुल नहीं रखा जाए, अपनाया नहीं जाएगा, तो कोई बात नहीं है, आपको सीवियर पनिशमेंट नहीं रखनी है, क्योंकि ये ऐसे नॉर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। ये ब्रॉडर कंसेप्ट है, मगर जिसमें क्या हम ला सकते हैं, जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं क्या सोशल कोड्स एंड यूजेजेस, तौर तरीके जो हम डेली लाइव में अपना रहे हैं। एक मिसाल आपको दे दो, एक एग्जांपल मैं आपको आई विल गिव यू एन एग्जांपल, राइट। हम दाएं हाथ से खाना खाते हैं या हम हाथ से खाना खाते हैं रदर देन चम्मच या स्पून को लेके, राइट। तो मीन्स अगर मैं हाथ से खाऊं या दाएं हाथ से खाऊं तो वेल एंड गुड, ठीक है, सोसाइटी विल अप्रिशिएट यू। अगर आप चम्मच से खाओगे या बाएं हाथ से खाओगे तो सोसाइटी आपको सीवियर पनिशमेंट नहीं देगी, आपको मारेगी नहीं, आपको फाइन नहीं करेगी, बल्कि क्या अगर आप करोगे कोई टेंशन नहीं सोसाइटी, अगर आप बाएं हाथ से खाओगे, अगर आप चम्मच से खाओगे सोसाइटी तब भी चलेगी। ऐसे लोगों के तौर तरीके को हम क्या फॉकवेज कहते हैं, ठीक है। समनर कहता है ये जो फॉकवेज है ना, दीज आर जस्ट लाइक प्रोडक्ट्स ऑफ नेचुरल फोर्सेस, लोगों में ऑटोमेटिकली लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उनमें नए फॉकवेज कैसे आते हैं और पुराने फॉकवेज कैसे बिल्कुल वो क्या भूल जाते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आपको, हम हाथ से खाना खा रहे थे या हमारा लोगों का तरीका ये था कि हम चावल खाते थे डिनर में, हम चावल खाते थे कहाँ पे, लंच पे, मगर आजकल हम देखिए कैसे हमारे हमको पता भी नहीं चला कि हम जंक फूड्स खाते हैं, हम फास्ट फूड्स रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, पता भी नहीं चला, बिल्कुल जस्ट लाइक प्रोडक्ट्स ऑफ नेचुरल फोर्सेस, ठीक है, बिल्कुल विच मैन अनकॉन्शियसली सेट इन ऑपरेशन, हम बिल्कुल हमें अनकॉन्शियसली बिल्कुल बिल्कुल जानबूझ के हम इसको चेंज नहीं करना चाहते, बल्कि धीरे 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 हमको पता भी नहीं चलता है, हमारी आदत बढ़ जाती है। फिर हम दाएं हाथ से खाना खाते थे फॉर एग्जाम्पल, सॉरी हम हाथ से खाना खाते थे, मगर हम धीरे धीरे जब हमने स्कूल्स में कॉलेजेस में या आउटसाइड जो ग्रुप्स में है ना, हमें चम्मच से खाना स्टार्ट किया, ठीक है, तो फिर हमें आदत ही बन गई, हमारा फॉकवे बन गया, अनकॉन्शियसली सेट इन ऑपरेशन। कहता है कि ये जो फॉकवेज है ना आर लाइक द प्रोडक्ट्स ऑफ नेचुरल फोर्सेस, जो एक इंसान अनकॉन्शियसली क्या ऑपरेट कर लेता है या अपने आप में समा लेता है, या एक आदत बन जाती है इस चीज की, एंड आर डेवलप्ड आउट ऑफ एक्सपीरियंस। जब डेली एक ही चीज करता हो, जाहिर सी बात है वो चीज को, किसी चीज को चाहे या ना चाहे, अगर वो डेली कर लेता है तो उसका हैबिट बन जाता है, हैबिट मीन वो तरीका बन जाता है उसकी जिंदगी का, उसी को हम फॉकवे कहते हैं। लोग कैसे रहते हैं, लोग कैसे खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, राइट। ये जो फॉकवेज है ना, दीज आर हैंडेड डाउन बाय ट्रेडिशंस, जो हमारे पास जो अभी लोग फेरन पहनते हैं, लोग दाएं हाथ से खाना खाते हैं, चावल खाते हैं एटसेट्रा, डिनर में, लंच में एटसेट्रा, ये हमारे पास आए हैं, मगर थ्रू ट्रेडिशंस हमारे तक पहुँचे, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं ना, उन्होंने थ्रू आवर ट्रेडिशंस क्या हम तक पहुँचाए, पहुँचाने की कोशिश की है, मगर ये चेंज होते हैं फ्रॉम कल्चर टू कल्चर एंड फ्रॉम बिल्कुल टाइम टू टाइम, ये फॉकवेज सेम नहीं रहते हैं, ये चेंज होते रहते विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं जिससे आपको अंडरस्टैंड हो पाएगा कि फॉकवेज हम किसे कहते हैं। देखिए, राइजिंग अप फ्रॉम सीट्स, जो बड़े होते हैं उनकी इज्जत करते हैं, ये हमारा तरीका है, अगर हम नहीं करेंगे उनको, जाहिर सी बात हमको तो मारेगा नहीं कोई, हमको पनिशमेंट तो नहीं लगनी है ना अगर किसी को हम सीट नहीं छोड़ेंगे गाड़ी में, ठीक है। इसके अलावा
व्हेन टीचर्स एंटर इनटू क्लासरूम, अगर टीचर एंटर हो रहा है क्लासरूम तो हम स्टूडेंट्स ऑफ जो है ना उठते हो, ठीक है, रेस्पेक्ट एक साइन होता है रेस्पेक्ट का, ठीक है। अगर आप उठोगे भी नहीं तो आपको कौन मारेगा, ये तरीका है, ठीक है। अलाउइंग वुमेन टू परचेज टिकट विदाउट बींग इन क्यू, ठीक है, बिल्कुल। अगर हमारे पास यहाँ पे किसी जगह हम टिकट लेने जा रहे हैं तो वुमेन जो है ना उसका कोई रो नहीं होता। उसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स आफ्टर गेटिंग ए जॉब और ए प्रमोशन, अगर किसी की जॉब लग रही है तो वो स्वीट्स, वो बिल्कुल मिठाइयाँ बांट रहा है, अगर वो नहीं बांटेगा तो क्या चीज़, क्या फर्क पड़ेगा, कोई इसको मारेगा, सोसाइटी से उसको डांटेगी, पेनल्टी पड़ जाएगी उसको, नहीं। ये तरीका है लोगों का कि जॉब मिलने के बाद या मैरिज होने के बाद या जो है ना प्रमोशन होने के बाद वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स, ठीक है। तो मीन्स ये जो तौर तरीके हैं ना, इसी ये सारे जो है ना एग्जांपल्स ऑफ फॉकवेज है। डब्ल्यू समनर ने ये कंसेप्ट ऑफ मोर्स इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, किसमें, इन हिज बुक फॉकवेज, ठीक, सोशियोलॉजी में इसने मोर्स का कंसेप्ट दिया, ठीक है। तो मोर्स किसे कहते हैं, डब्ल्यू जी समनर कहता है कि सोसाइटी में हमारे देयर आर सम नॉर्म्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्रूशियल फॉर द मेंटेनेंस और फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी। उनके बगैर सोसाइटी नहीं चलेगी, उनके बगैर सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ये जो नॉर्म्स है जो सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए, मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है, इन्हीं को हम मोर्स कहते हैं। मगर ये जो मोर्स है ना, ऐसे नॉर्म्स होते हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, जो पब्लिक वेलफेयर से जुड़े हुए होते हैं। हमने कहता है इन आवर सोसाइटी देयर आर सम नॉर्म्स व्हिच आर कंसीडर्ड टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल, रिमेंबर दिस थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल फॉर द मेंटेनेंस एंड सस्टेनेंस ऑफ द सोसाइटी और सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। और ऐसे नॉर्म्स को हम मोर्स कहते हैं जो हमारी सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होंगे, मेंटेनेंस के लिए, जिंदा रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनको तोड़ा जाए, ब्रेक डाउन किया जाए, सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है। मोर्स आर लिंक्ड विद कल्चरल वैल्यूज विच प्रोवाइड द मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर ऑफ ए ग्रुप ऑफ सोसाइटी। नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जो लिंक्ड होते हैं कल्चरल वैल्यूज से एंड विच प्रोवाइड द मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, आपको कैसे रहना है एक ग्रुप में, एक सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी और ग्रुप जो है ना एक इंडिविजुअल से नहीं बनता है, आप इसमें अपनी इंडिविजुअल विल को फोर्स नहीं कर सकते, बल्कि बाकी लोगों को भी की राय जो है ना देखनी पड़ती है, बाकी लोगों को भी मद्देनजर रखना पड़ता है, कंसिडरेशन में रखना पड़ता है, राइट। तो इस तरह से आप बिल्कुल जो चाहेंगे वो कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे समाज में हमें ऐसे नॉर्म्स होते हैं जो आपको पेनल्टी लगाएंगे, जिनको तोड़ने से, जिनके तोड़ने पर आपको पेनल्टी लग जाएगी, पुनिशमेंट लग जाएगी, क्योंकि वो खाली आपसे जुड़े हुए नहीं होते, जनरल और पब्लिक वेलफेयर से जुड़े हुए होते, और इसीलिए आप उनको तोड़ नहीं सकते, आप उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। ऐसे वैल्यूज को, सॉरी, ऐसे मोर, ऐसे नॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, मोर्स कहते हैं, ठीक। ये जो ग्रुप ऑफ सोसाइटल मेंबर्स है ना, फील इमोशनल अटैचमेंट टू मोर्स, जाहिर सी बात है क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं शो करेंगे इमोशनल अटैचमेंट टू मोर्स। पब्लिक लाइब्रेरी बनी है, ब्रिज बना है, हॉस्पिटल बना है, ठीक है, तो ये सारे पब्लिक वेलफेयर के लिए होते हैं, क्यों ना मैं इमोशनल हो जाऊं अगर किसी कोई इंसान जो है ना हॉस्पिटल को तोड़ेगा, लाइब्रेरी को तोड़ेगा, ब्रिज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, स्कूल को तोड़ेगा, तो मैं क्यों ना इमोशनल अटैचमेंट शो करूं उसके साथ, ठीक है, मैं प्रिजर्व करने की कोशिश करूंगा, जाहिर सी बात है क्योंकि हमें इससे फायदा पहुंचता है, सारे लोगों को फायदा पहुंचता है, दैट इज वाई दिस आर एसेंशियल टू द ग्रुप एंड पब्लिक वेलफेयर, क्योंकि ये जो इनका प्रिजर्वेशन, ये जो बचाना है ना पब्लिक वेलफेयर के लिए चीजों को, एसेट्स को, ये किसके लिए है, ये ग्रुप एंड पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है। ऐसी बात है, मैं तो बचा लूंगा, मैं तो प्रिजर्व करूंगा उनको, मैं तो क्या किसी को तोड़ने नहीं दूंगा, इट मीन्स आई एम हैविंग एन इमोशनल अटैचमेंट टू दीज एसेट्स, टू दीज मूर्स, राइट। इन मूर्स की जो वायलेशन है ना, इसको टॉलरेट और बेयर नहीं किया जाएगा, क्यों, क्योंकि इनकी वायलेशन अगर होगी तो आपको सीवियर पनिशमेंट मिलेगा या पेनल्टी मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रॉइंग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, ब्रिजेस, सेक्सुअल मोलेस्टेशन ऑफ ए चाइल्ड, रेप एटसेट्रा, मर्डर, इंसेस्ट टाइपो या इंसेस्ट एटसेट्रा, ठीक है, बीटिंग एंड कंजप्शन ऑफ बीफ इन हिंदू सोसाइटी और ड्रिंकिंग अल्कोहल इन मुस्लिम सोसाइटी विल नेवर बी टॉलरेटेड एंड विल लीड टू पेनल्टी।
ये सारे एग्जाम्पल है किस चीज के, मूर्ज के। कैसे, हाउ इज पॉसिबल? जैसे मैंने कह दिया आपको कि डिस्ट्रॉय कर लेना पब्लिक इंस्टीट्यूशन को, हॉस्पिटल्स को, ब्रिजेस को, ठीक है, या सेक्चुअल मोलेस्टेशन ऑफ ए चाइल्ड, रेप एटसेट्रा, अगर हम ये चीजें करेंगे तो हमारी सोसाइटी नहीं आगे चल पाएगी, हमारी सोसाइटी नहीं सर्वाइव कर पाएगी, ठीक है। अगर हम हिंदू, जाहिर सी बात है हिंदू तो बिल्कुल बीफ नहीं खाते हैं, अगर वहां पे बिल्कुल हम बीफ खाएंगे हिंदू सोसाइटी में, वो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसी सोसाइटी में बिल्कुल हम कहां रह पाएंगे, हिंदू मुस्लिम जो है ना कॉमन राइट्स हो जाएंगे। इसके बाद अगर आपको डिफरेंस बिटवीन फॉकवेज एंड मूर्स आ रही है ना, तो आप फॉकवेज को एक साइड लिख के और मूर्स को एक साइड लिख के छोड़ दे सकते हो। तो आप फॉकवेज ये लिख सकते हो, फॉकवेज जो है ना वीक नॉर्म्स होते हैं और जो मूर्स होते हैं वो स्ट्रांग नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। फॉकवेज में पेनल्टी हमें नहीं लगती है, पुनिशमेंट नहीं लगता है, और जो मूर्स है ना वहाँ पे हमें पुनिशमेंट लगता है अगर हम उनको तोड़ेंगे, या वहाँ पे हमें पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। तो ये जो फॉकवेज जो मूर्स है ना, सॉरी फॉकवेज जो है ना, फॉकवेज इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी के लिए, मगर ये जो मूर्स है ना दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी, उसके बगैर सोसाइटी नहीं चल पाएगी। अगर हम उनको तोड़ेंगे तो सोसाइटी कैन नॉट सर्वाइव। अगर फॉकवेज को हम तोड़ते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, सोसाइटी तब भी चलेगी, ठीक है। इसके अलावा जो फॉकवेज होते हैं ना वो पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं होते हैं, बल्कि ये जो मोर्स होते हैं ना ये पब्लिक वेलफेयर के लिए होते हैं। ये चार पांच डिफरेंसेस है ना बिटवीन फॉकवेज एंड मोर्स, अगर वहां पे डिफरेंस शेड करना आया तो वहां पे आप ये लिख सकते हो कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फॉकवेज एंड मोर्स, ये आप लिख के छोड़ दोगे, राइट। थैंक यू सो मच।